मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। मीटू को लेकर बोली करीना कपूर खान। करीना कपूर खान ने कहा है कि वो उन महिलाओं की सराहना करती हैं जिन्होंने सामने आकर उत्पीड़न के बारे में बोलने की हिम्मत दिखाई। साथ ही कहा कि उनका मानना है कि हर किसी को कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस होना चाहिए। करीना ने कहा कि फिल्म उद्योग में महिलाएं सुरक्षित कार्यस्थल चाहती हैं और फिलहाल उसका समाधान किया जा रहा है। करीना ने कहा, हम आज खुलकर चर्चा कर पा रहे हैं। इतनी महिलाओं का सामने आना और बोलना दरअसल एक शुरुआत है। आज लोग सामने आ रहे हैं और मैं सचमुच उन महिलाओं की तारीफ करती हूँ जिनके पास सच में खड़े होने और बोलने का साहस है, और ये हमें अपने कार्यस्थल को बदलने और सुरक्षा का भाव देने में मदद करेगा। विवादों में फंसी अक्षय की मंगल मिशन। अक्षय कुमार और विद्या बालन अभिनीत फिल्म मिशन मंगल में कॉपीराइट के उल्लंघन का दावा करते हुए एक महिला निदेशक ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मिशन मंगल को अंतरिक्ष के विषय में बनने वाली भारत की पहली फिल्म माना जा रहा है। राधा भारद्वाज ने फिल्म के निर्माण और इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। ये फिल्म भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन MOS पर आधारित है। इसे मंगलयान कहा जाता है। इस महीने की शुरुआत में अभिनेता अक्षय कुमार ने घोषणा की थी कि वो फॉक्स स्टार स्टूडियोज और केप ऑफ गुड होप फिल्म्स के साथ मिलकर मंगल मिशन पर आधारित फिल्म मिशन मंगल का निर्माण करेंगे। शाहरुख खान के उड़ीसा जाने पर होगा विरोध। ओडिशा के एक स्थानीय संगठन ने धमकी दी है कि अगर अभिनेता शाहरुख खान अगले सप्ताह यहां होने वाले कार्यक्रम में आते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और स्याही फेंकी जाएगी। कलंग सेना नाम के संगठन के मुखिया हेमंत रथ ने कहा है कि खान ने 17 साल पहले रिलीज हुई फिल्म अशोका में ओडिशा और यहाँ के लोगों का अपमान किया था। संगठन में इस बाबत 1 नवम्बर को पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है। शाहरुख खान का यहाँ अगले सप्ताह 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप समारोह में आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शाहरुख को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। अनुपमा सोनी बनी मिसेस एशिया इंटरनेशनल। जयपुर बेस्ड डॉक्टर अनुपमा सोनी, जिन्होंने अगस्त में मिसेज इंडिया का खिताब जीता था, ने हाल ही में मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2018 का खिताब जीतकर विश्वव्यापी मंच पर भारत को गौरवान्वित किया। दो बच्चों की मां अनुपमा के पास मिसेज इंडिया और मिसेज राजस्थान जैसे दो खिताब हैं। इसके बाद ही इन्होंने इंटरनेशनल ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में अपनी तैयारी शुरू की और आखिरकार मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2018 के खिताब के साथ मिसेज फोटोजेनिक का सब टाइटल जीतकर अपने हौसलों से पूरी दुनिया का परिचय कराया। मिर्जापुर के अली फजल सीधा लेकिन खतरनाक अंदाज। वेब सीरीज मिर्जापुर के जिस किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है गुड्डू पंडित। ये किरदार अली फजल ने निभाया है। इस किरदार को उन्होंने इतनी बेहतरी के साथ पर्दे पर उतारा है कि अब शायद ही उन्हें करियर में पीछे मुड़कर देखना पड़े। इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय भी कह सकते हैं। वेब सीरीज में गुड्डू पंडित के रूप में अली फजल का लुक कहानी और उनके किरदार के मुताबिक ही है। वो बहुत मासूम और सीधा है, संकोची है, लड़कियों से शर्माता भी है और उसमें बचपना कूट कूट कर भरा है। लेकिन गुड्डू के अंदर अजीब सी बेचैनी भी है। उसे देख कर पता नहीं चलता कि एक पल में वो कैसे एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वो चाहता है सारा शहर उसकी माँ की इज्जत करे। क्राइम के वक्त वो इतना क्रूर नजर आता है कि कई सीन्स में उसे देखना डर को महसूस करना है। कातिलाना अदाओं से घायल कर रही है हीना खान। हाल ही में हीना ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं। खुले बालों के साथ डार्क रेड लिपस्टिक उनके चेहरों को चार चांद लगा रही है। तस्वीरें शेयर करते हुए हीना ने लिखा है, पब्लिक की डिमांड पर हीना के बिंदास लुक और एक्टिंग को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों हीना टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में कोमोलिका के किरदार में नजर आ रही हैं। बार में शराब परोसेगी अब ये हीरोइन। लंबे समय से पर्दे से दूर चल रही बॉलीवुड की एक्ट्रेस और सिंगर शेफाली जरीवाला इन दिनों सुर्खियों में हैं। फिल्मों और सिंगिंग में अच्छा मुकाम ना मिलने के बाद शेफाली जरीवाला ने अपने करियर को लेकर अब बड़ा फैसला किया है जो उनके फैंस को हैरान कर सकता है। शेफाली जरीवाला ने अब गायकी छोड़कर बार में शराब परोसने का फैसला किया है। जी हाँ, ये बात उनके फैंस के लिए हैरान करने वाली है, लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल शेफाली जरीवाला इन दिनों बार में शराब परोसने वाले बारटेंडर की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शेफाली जरीवाला को खाना बनाने और वाइन का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने इस बारटेंडर प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया है।
हाल ही में उन्होंने अपने इस फैसले को लेकर कहा है, मैंने अभी तक देखा है कि ज्यादातर बारटेंडर पुरुष होते हैं, लेकिन पिछले साल कनाडा की महिला कैटलिन स्टीवर्ट ने बारटेंडर प्रतियोगिता को जीतकर ये साबित कर दिया कि महिला भी ये कर सकती हैं। उससे प्रेरित होकर मैंने भी इस प्रतियोगिता में जाने का मन बनाया है। काम पर लौटी आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर का पता चलने के बाद उनकी मास्टेक्टोमी की गई और वो अब काम पर लौट आई हैं। ताहिरा ने ट्विटर पर लिखा, काम शुरू, प्री प्रोडक्शन, हैप्पी थैंक्सगिविंग, आभारी हूँ। ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वो एक कार में बैठी हैं और काम के लिए जा रही हैं। ताहिरा की पोस्ट को पति आयुष्मान खुराना ने रीट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। उन्होंने कहा, मैं खुश हूं कि मुझे ताहिरा जैसी जीवन साथी मिली है जो बहादुर है, मजबूत है, वो मेरी प्रेरणा है। मैंने अलग नजरिए से दुनिया को देखना शुरू कर दिया है। बेटी ईरा के साथ एयरपोर्ट पे आमिर खान। आमिर खान अपनी बेटी ईरा खान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान आमिर के हाथों में पानी की बोतल और एक तकिया दिखाई दिया। उन्होंने एक बैग भी टांगा हुआ था। ऐसी तस्वीरें बेहद कम ही देखने को मिलती हैं। जब आमिर खान बेटी ईरा के साथ इस तरह दिखाई दिए हों, आमिर और रीना दत्ता की बेटी ईरा 21 साल की है। आमिर खान की हालिया रिलीज फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। इस फिल्म में आमिर के साथ पहली बार अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। शोले के 43 साल बाद भी खतरे में है बसंती की इज्जत। 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले को 43 साल हो चुके हैं। जय वीरू की जोड़ी और गब्बर सिंह के बीच तांगे वाली बसंती का किरदार निभाने वाली हेमा तब 27 साल की थी, अब उनकी उम्र 70 साल हो चुकी है। इतने सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया, नई पीढ़ियां आ गईं, लेकिन बसंती की इज्जत आज भी खतरे में है क्योंकि हेमा मालिनी मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए इसी डायलॉग के सहारे वोट मांग रही हैं। वो एक दिन में 4 से 5 सभाएं करती हैं और हर जगह बसंती की इज्जत से बात शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।